नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने प्रस्तुत हैं एक नई कहानी लेकर। इस कहानी में आप तेनाली रामा की बुद्धि की उत्कृष्टता की पहचान करेंगे और कुछ रोचक जानकारियां सुनेंगे। तेनाली रामा एक विकट कवि के रूप में पहचाने जाते थे। राजा कृष्णदेव राय के शासन में एक शाही कवि कहलाए जाते थे, जो विजयनगर के 8 श्रेष्ठ कवियों में से एक थे। तेनाली रामा की बुद्धि भी बहुत उत्कृष्ट थी और उनकी बुद्धि की तुलना जो है बीरबल की बुद्धि से की जाती थी, क्योंकि वह किसी भी समस्या का निराकरण चुटकियों में कर देते थे। एक दिन राजा कृष्णदेव राय बहुत चिंतन में थे, क्योंकि उनके एक हीरे की अंगूठी कहीं खो गई थी। राजा ने अपने सभी द्वारपालों से पूछा कि क्या आपने मेरी हीरे की अंगूठी देखी है, तो सभी ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, हमने आपकी हीरे की अंगूठी नहीं देखी। लेकिन राजा को उन्हीं द्वारपालों पे शक था, क्योंकि उस कक्ष में द्वारपाल के अलावा और कोई नहीं आता जाता था। इस समस्या के निराकरण के लिए राजा ने तेनाली रामा को बुलाया और अपना किस्सा उनको पूरा सुनाया। तेनाली रामा ने राजा की बात सुनने के बाद सभी द्वारपालों से कहा कि आप लोग इस कक्ष में एकत्रित हो जाइए। जब सभी द्वारपाल एक कक्ष में एकत्रित हो गए, तो उसने उनको एक दूसरे कक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप सभी को बारी बारी उस कक्ष में जाना है और वहाँ एक काली माता की मूर्ति रखी है, उसके दाएं पैर को छूकर वापस आ जाना है। आपके ऐसा करने से काली माता आज रात को मेरे सपने में आएगी और मुझे ये बताएगी कि राजा की हीरे की अंगूठी किसने चुराई है। सभी द्वारपाल सोच में पड़ जाते हैं और इस बात की आज्ञा का पालन करते हैं। एक एक करके सभी द्वारपाल उस कक्ष में जाते हैं, काली माता की दाएं चरणों को छूकर वापस आ जाते हैं। इसके बाद तेनाली रामा उन सभी द्वारपालों के हाथ सूंघता है और शुरुआती 6 द्वारपालों को जाने के लिए कह देता है कि आप इस कक्ष से जा सकते हैं। 7वें द्वारपाल का हाथ वह जैसे ही सूंघता है, वह तुरंत राजा से कहता है, राजा, इसी व्यक्ति ने, इसी द्वारपाल ने आपकी अंगूठी चुराई है। यह बात सुनते ही द्वारपाल भौचक्का रह जाता है और वह राजा के पांव में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है कि राजा, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन राजा उस पे दया नहीं करते और उसको जेल भिजवा देते हैं। इसके बाद राजा तेनाली रामा से पूछते हैं, तेनाली, तुमने तो कहा था कि काली माता तुम्हें आज रात सपने में आके बताएंगी कि चोर कौन है, लेकिन तुमने तो इस समस्या का निराकरण तुरंत कर दिया, ऐसा कैसे? तेनाली कहता है, राजा, मेरा वह कहना कि काली माता आज रात को मेरे सपने में आएंगी और मुझे चोर का पता बताएंगी, एक षड्यंत्र था जिससे कि चोर भयभीत हो जाए और वह वैसा ही करे जैसा एक चोर करता है। उस द्वारपाल ने भी एक गलती की कि वह जब उस कक्ष के भीतर गया, उसने काली माता के दाएं पैर को छूने की जगह बाएं पैर को छुआ, क्योंकि मैंने दाएं पैर में एक सुगंधित पदार्थ डाला हुआ था जो कि अन्य 6 द्वारपालों के हाथों में सुगंध कर रहा था, किंतु इस द्वारपाल के हाथ में वह सुगंध नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको पता था यदि मैं दाएं पैर को छूऊंगा तो काली माता तेनाली रामा के सपने में आएगी और उसको पूरी बातें बता देंगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान अपनी बुराइयों को कितना भी छुपा ले, एक दिन सत्य का पता जरूर लग जाता है। आपका समय बहुत कीमती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस समय को क्रिएटिव आई सिनेमा को देने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच।